बिहार में छात्रों का प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। लगातार बिहार में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि उसका समाधान वर्तमान में महागठबंधन के सरकार के पास नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज भी होता है, बावजूद इसके छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो, क्यों? हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है सर, हम लोग 4 साल से सर घूट घूट के मर रहे हैं। उससे अच्छा कि या तो हम लोग पे गोली चलवा दीजिए, कब तक लाठी बरसाइएगा, या जहर दे दीजिए सर। किस चीज का रिजल्ट आप लोग मांग? सर हम लोग का BTSC का बहाली आया था सर 2019 में, जूनियर इंजीनियर का बहाली आया है सर, वो बहाली हम लोग का सर 4 साल से लंबित है सर। बार बार हम लोग को आयोग सर आश्वासन देती है कि 10 दिन में रिजल्ट आएगी, जब लिखित नोटिस दिया हुआ था सर कि अक्टूबर के लास्ट माह में आप लोग का रिजल्ट आएगा, लेकिन सर हम लोग का जब लिखित नोटिस पे विश्वास उस पर कार्रवाई नहीं किया गया सर, तो अभी तक हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया। RJD ऑफिस भी आप लोग गए थे तेजस्वी से अपनी मांग रखने के लिए? अभी तक हम लोग बहुत बार तेजस्वी सर से मिले हैं, पिछले बार हम लोग बारिश में भीगते हुए तेजस्वी सर के पास थे, तेजस्वी सर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार में वो आई उसके बाद हम लोग की स्थिति भयावह हो गया है। सरकार में आने के बाद तेजस्वी बदल गए? आशा है बदल तो नहीं गए, बार बार आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट देगी। बार बार आयोग द्वारा भी अभी तक 2 बार डेट नोटिफिकेशन के साथ डेट लिख दिया गया नोटिस में कि आप लोग का अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी किया 2022 में, पिछले बार 2021 में दिया गया था। ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। उनके हाथों में एक बैनर और पोस्टर है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दो। ये बताइए आज क्या मांग है आपकी? सर हमारी 2019 की बहाली निकाली गई थी जूनियर इंजीनियर के पद के लिए, अप्रैल के 2022 में 3 तारीख को रिजल्ट दिया गया और 2 दिनों के लिए हमको जूनियर इंजीनियर बना करके 6 तारीख को रिजल्ट संशोधन के नाम पे वापस ले लिया गया, ये कह के कि संशोधित करके पुनः प्रकाशित होगा रिजल्ट, जो टिल डेट प्रकाशित नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव से भरोसा है, उम्मीद है? बहुत उम्मीद है सर, तभी आज हम रोड पे इस तरह से उतरे हैं, 52 दिनों का धरना भी दिया गर्दनी बाग में, उसके बाद भी कोई परिणाम निकल के नहीं आया। तो आगे क्या करेंगे, अभी तक आपका कोई परिणाम निकल नहीं रहा है, तो आगे आप लोग अपने आंदोलन को और कैसे तेज करें? सर मेरा प्रश्न तो सबसे पहले ये होगा कि आखिर आंदोलन क्यों, जब हम वो चीज डिजर्व करते हैं तो फिर आंदोलन क्यों करें हम, जब हम सिलेक्शन ले रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तब तो सिलेक्शन हो रहा है। मांग नहीं मानी जाएगी तब क्या करेंगे? मांग नहीं मांगी जाएगी तो अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम यही मांगेंगे कि या तो रिजल्ट दे दो या तो मौत दे दो, या तो रिजल्ट दो या फिर हमें मौत दे दो। आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं सड़क पर बैठ गई हैं और लगातार सरकार से यह डिमांड कर रही है कि या तो हमारा रिजल्ट दो या हमें फिर इच्छा मृत्यु दे दो। कैमरा मैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।